हेलो बच्चों मैं जितेंद्र कुमार हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवंबर माह का जो विषय विज्ञान कक्षा दसवीं का असाइनमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है जिसके पास मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ने का साधन नहीं है या फिर बुक है नहीं है ठीक है ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है फालतू कोई जिसके पास बुक है अवेलेबल है नकल मारने के लिए यहाँ नहीं आएंगे और अगर आप लोगों को समझ आए तो कमेंट जरूर करेंगे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो बाकी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो हम लोग चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन यदि कांच का और जल का अपेक्षी का कितना दिया है थ्री बाई टू व फोर बाई थ्री दिया है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए जैसे जल है और प्रकाश उसमें हम लोग प्रकाश को डाल रहे हैं लाइट को क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं तो उसका चाल क्या होगा उसका अनुपात ज्ञात करें तो हमको दिया गया है सिक्वेंस पैटर्न ऐसे लिखेंगे बच्चों दिया है हमको क्या कर दिया है कांच का कितना दिया है थ्री बाई टू और जल का दिया है फोर बाई थ्री तो हम लोग मान लेते हैं माना कि जल में प्रकाश की चाल v2 कितना दिया है मतलब v1 मान लिए हैं और कांच में प्रकाश की चाल v2 मान लिए थे दे। देखो यहाँ पर मैंने n2 और n1 लिखा है कांच के लिए n2 और जल के लिए n1 लिया हूँ तो सूत्र हम हमारा क्या होता है बच्चों एन वैतकरण उपाधि होता है वी के एन कैसा होता है व्यकरण उपाधि वी के तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो एन टू अपॉन एन वन बराबर वी वन अपॉन वी टू इस प्रकार अगर इसमें अपने मान को रखना है तो एन टू का मान दिया था अपने पास थ्री बाई टू और एन वन का मान दिया था कितना दिया था फोर बाई थ्री तो वी वन अपॉन वी टू इधर रख दिया इसको मान को मैंने सॉल्व किया तो इस प्रकार आया तो नौ बटे तीन वी वन अपॉन वी टू तो वी वन और अनुपात v2 बराबर कितना है ना अनुपात एक ये अपना पहला का आंसर हो गया दूसरा प्रश्न क्या दिया है के सांद्रण की दो विधियों को सचित्र लिखिए बोल रहे तो दो विधियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों पहला है गुरुत्व गुरुत्व क्या है पृथक्करण विधि क्या है गुरुत्व पृथककरण विधि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड तो ये उसका मेथड है ठीक है जब एस्क तथा आधारित अपेक्षित घनत्व में क्या होता है अंतर होता है तब एस के सातरण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है याद रखेंगे इस विधि में एस्क को बारीक पीस कर क्या करते हैं पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाया जाता है जिससे ऐस को भारी कर नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धि ऊपर तैरने लगती है जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा ये पानी की धारा के साथ बहाकर अलग हो जाते हैं प्रया कार्बोनेट तथा तो आय देखो याद रखेंगे कार्बोनेट और ऑक्साइड ऐसों के साधारण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है हेमेटाइड एस का साधारण इस विधि से किया जाता है याद रखिए पहला मैथड समझ आ गया ठीक है दूसरा हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथककरण विधि चुंबकीय पृथककरण विधि तो ये मस्त सरल होता है अभी अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने से इस विधि का उपयोग किया जाता है इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर क्या करते हैं चुंबक को चने वाले रबर के पट्टे पर डाला जाता है और चुंबकीय पदार्थ पट्टे के उद्वारदार होते हुए गिर जाते हैं परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर चिपके रहते हैं जब तक कि वहाँ चुंबक प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते इस प्रकार को दो ढेर मिलते हैं अपने को एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अनुचुंबकीय देखो यहाँ पर एक चुंबकीय पदार्थ का मिलता एक हमको अनुचुमकी पदार्थ का मिला है ठीक है ये हमारा दूसरा आंसर होता है अच्छे से और डायग्राम को देख लेते हैं ये है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, धातु और अधातु में हमको चार अंतर लिखना है मैंने यहाँ पर पांच अंतर लिखा हूँ तो देख लेते हैं पहला पारे को छोड़ दे एच जी जो मरकरी होते हैं उसी को छोड़ दे तो बाकी सभी कैसे होते हैं ठोस में पाए जाते हैं लेकिन अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं धातुओं में धात्विक चमक होती है अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है चमक नहीं होता उसमें कोई धातु आघात वर्धनी होती है अधातु कैसी होती है भंगुर होती है धातु ऊर्जा या बोले या उषमा का बोले विद्युत का सुचालक होता है मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर अधातु आधातुष्मा विद्युत का कैसे होती है कुचालक होती है उदाहरण जैसे इसका है लोहा कॉपर जो अपने लोहा होता है उसमें विद्युत प्रवाह होता है आप लोग करंट सप्लाई करके देख सकते हो धारा प्रवाह होगा आपको करंट लग जाएगा और उसका एग्जाम्पल लिख दिया हूँ मैंने कार्बन ले लिया हूं ठीक है भाई अब उसके बाद देखते हैं द्रव अधातु का नाम लिखिए एवं संकेत लिखकर अधातु के तीन रासायनिक गुण को लिखिए पहला है द्रव अधातु का नाम लिख लेते हैं कौन सा आता है अधातु तो कौन है ब्रोमीन संकेत कैसा होता है बी आर होता है बी आर होता है रासायनिक गुण अधातु 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 का धातुओं से अभिक्रिया लिखा हूँ मैं पहले क्या लिखा हूँ धातु के अधातुओं से अभिक्रिया धातु तथा अधातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों मतलब धातु का जब क्या कराते हैं हम लोग हाँ अधातुओं का रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखते हैं बच्चों पहला हम लोग उसको धातु से अभिक्रिया कराते हैं क्या कराते हैं धातु से क्रिया तो जैसे मेरा अधातु जैसे ऑक्सीजन मैंने ले लिया क्या लिया है मैंने ऑक्सीजन को मैंने अगर ले लिया है उसको मैं अगर सोडियम धातु से अभिक्रिया कराता हूँ तो क्या मिलता है बच्चों मेरे को ऑक्साइड मिलता है क्या मिलता है बच्चों मेरे को ऑक्साइड मिलता है उसी प्रकार मैं अगर लिथियम धातु को सोडियम नाइट्रोजन के साथ कराता हूँ तो नाइट्राइड मेरे को मिलता है ठीक है ये समझ आ गया अब दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता हूँ तो मेरे को क्या प्रोडक्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरा हो गया तीसरा अगर मैं यौगिकों से अभिक्रिया जैसे एन एक अमोनिया है उसको हम लोग एक यौगिक माने और उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मेरे को नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है और वाटर भी बाहर निकलता है ठीक है ये समझ आ गया उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के तीन मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं जो तो समतल दर्पण होता है जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं कंगी करने के लिए यूज करते हैं वही होता है समतल दर्पण तो समतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी और दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है मतलब जहाँ पर जिस जितनी दूरी में आप खड़े होते हैं उतनी ही पीछे दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है समतल दर्पण में दूसरा क्या है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का कार वस्तु के आकार के बराबर जितना आप जितना अगर आप दर्पण के सामने खड़े खड़ोगे उतना ही बड़ा दर्पण के अंदर भी आप ही दिखाई दोगे तीसरा क्या है संतपन दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के सापेक्ष सीधा होता है जैसे हम लोग दर्पण में सामने खड़े होंगे तो उसमें भी दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमको सीधा ही दिखाई देगा जैसे यहाँ पर बताया गया है डाइग्राम एक, एक है मेरा यहाँ पर वस्तु है यहाँ उसका प्रतिबिंब बना जैसे यहाँ दस सेंटीमीटर में एक वस्तु खड़ा है तो दस सेंटीमीटर पीछे भी यह प्रतिबिंब बनेगा यह मेरा समतल दर्पण है तो इस प्रकार से ये पूरा अपना समझ आता है अब इसके बाद आपका गणित का मिल जाएगा बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको मिल जाए अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे हमको आप फिर से समझा देंगे क्योंकि समझना मेन होता है लिखेंगे कहीं से भी लिख सकते हो पर समझना मेन होता है बच्चों ठीक है ओके बाय